भारतीय रोड को अपने बाप की सड़क भी नहीं बल्कि सबवे सर्फर के ट्रैक समझने वाला रजत दलाल 140 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए एक बाइक वाले को ठोक देता है और वो बाइक वाला इसी की गाड़ी से टक्कर खा के मरे जिए इस बात की हमारे माइटी राजू है कि जाटबुद्धि रजत दलाल को कोई परवाह नहीं है। रजत दलाल हो ना गुंडे हैं भाई, ये लोग इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए, हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। क्योंकि झाट बुद्धि वाले रजत दलाल का लॉजिक ये कहता है कि उस बाइक वाले की ही गलती है, वो बाइक लेके रोड पे निकला ही क्यों? क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क क्यों नहीं रहते हैं? अब तुम लोग अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना। गाड़ी में रजत दलाल के साथ पैसेंजर सीट पे बैठी लड़की भी अपनी चिंता जता रही है, जिसे सुनने के बाद भी रजत दलाल यही कहता है कि वो गिर गया कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। गिर गया कोई बात नहीं, रोज का यही काम। जो भी लोग हमारी माइटी राजू से परिचित नहीं है तो चलो आओ मिलवाता हूँ तुम्हें रजत दलाल से, जिसके रोज के कामों में और क्या क्या आता है। 18 साल के बच्चों की अलेजेड किडनैपिंग, उनके मुंह पे गोबर डाल देना, उनके मुंह पे मूत देना, उसके सिवाय गुंडागर्दी करना और माइनर्स को पीटना। रजत दलाल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे गुंडागर्दी के सिवाय फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग भी करता है। यूं समझो कि youtube.com पे यदि जाट बुद्धि को रिप्रेजेंट करने वाला लक्ष्य चौधरी है तो दूसरी ओर जाट बुद्धि को रिप्रेजेंट करने वाला रजत दलाल है। मैं बस यही सोचता हूँ कि इतने अलेजेड अपराधों के बाद जिन अपराधों की वीडियो स्वयं उसने अपलोड की है इंटरनेट पे, फिर भी ये व्यक्ति खुला कैसे घूम रहा है? इस रोड वाले केस में तो समझा जा सकता है कि किसी भी अथॉरिटी ने उससे 300 वर्ड का ऐसे लिखने को नहीं कहा, क्योंकि ना ही उसका बाप वेदांता है और ना ही वो इतना पढ़ा लिखा है कि 300 वर्ड का ऐसे पूरा कर सके। मैं मानता हूँ दो ही चीजें हो सकती है, या तो ये दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है जिसको समझने में हम भूल कर रहे हैं, पर ये होने की संभावना जीरो है क्योंकि अपनी गुंडागर्दी की वीडियो ये स्वयं डालता है, तो दूसरी संभावना ये है कि रजत दलाल अपनी गाड़ी से लोगों को ठोकता हुआ बड़ा कैजुअली ये बात कह सकता है कि ये तो मेरा रोज का है, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी है। क्योंकि अनेकों बार कानून तोड़ने के बाद उसे गिरफ्तार भी किया जाता है फिर भी वो जेल में नहीं रहता, हर बार वो बाहर निकल जाता है तो हो सकता है उसकी पहुंच ही इतनी है कि उसे कोई नहीं छू सकता, चाहे वो कितने भी कानून तोड़ ले, कितना भी बड़ा गुंडा बन जाए। और जब इस कार वाली वीडियो में रजत दलाल बोल रहा है कि ये तो उसका रोज का है, वो बिल्कुल सीरियस है वहां पे, क्योंकि इस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद रजत दलाल ने इस वीडियो पे अपना रिएक्शन दिया है और ये कहा है कि मुझे तो ध्यान ही नहीं ये वीडियो कब की है, मुझे खुद को नहीं पता वो वीडियो कहां से वायरल हुआ है, कहां से आया है, क्या सीन है। तो अपनी कार से किसी को ठोक देना और व्यक्ति वहीं पे गिर के पड़ जाए, संभवतः मर जाए, वो भी रजत दलाल के लिए कोई इतनी अनकॉमन चीज नहीं है जिसे वो लंबे समय तक याद रखे। और यहीं पे रजत दलाल के गुंडागर्दी वाले कॉमन बिहेवियर को समझने के लिए तुम्हें उसके पास्ट को समझना होगा, इस प्रकार के इंसिडेंट उसके लिए कितने कॉमन है तुम्हें ये समझना होगा। बाइक को ठोकने वाली ये वीडियो जैसी वायरल हुई तो इसके साथ एक और वीडियो आजकल वायरल हो रही है जिसमें हेलमेट के साथ रजत दलाल एक व्यक्ति को पीट रहा है, सीढ़ियों में बैठा के फोर्सफुली उसे माफी मांगने को कह रहा है। ये वीडियो रजत दलाल की बताई जा रही है और इतनी हिंसक है कि मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें एंड वाला पार्ट दिखा देता हूँ जिसमें ये व्यक्ति इतना डरा हुआ है जिसकी पिटाई की गई है। वो व्यक्ति इतना भयभीत है कि उसे लग रहा है कि वो मार दिया जाएगा। एक बार चीज बताओ ना, मेरे के बाप के हाथ पैर तोड़वा दूं, क्या इसका बाप मेरे पे केस कर देगा? मेरे तो कोई दिक्कत ही नहीं अंकल, आपसे कोई व्हीकल खड़ा हो मैं जलवा दूं। भाई तुम ये चीज देखो ना, पंगे ले किससे रहे, उसको हर रोज बचना पड़ेगा, मेरे को एक दिन ना बस उसको। वो ये वीडियो सबने देख ली होगी, ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सबने सुनी ली होगी, कैसे मेरे पापा को थ्रेट दे रहा है, मेरी फैमिली मेंबर्स को थ्रेट दे रहा है और मुझे भी इसने बहुत थ्रेट दिए हैं लाइफ के। तो इस वीडियो के बनाने का मोटिव यही है कि अगर मुझे कुछ भी होता है, मेरे फैमिली मेंबर्स में से किसी को कुछ भी होता है, मिसिंग होता है, कोई एब्सकॉन्डेड होता है या मेरे साथ कुछ भी होता है फ्यूचर में या कभी भी, तो उसका जिम्मेदार रजत दलाल रहेगा क्योंकि इसने ऐसे एक्ट पहले किए हुए हैं जो भी गुंडागर्दी। और इन रिसेंट की उजागर हुई दो घटनाओं के सिवाय मैं तुम्हें एक और न्यूज दिखाता हूँ जो कि जून 2024 की है, जब रजत दलाल को अहमदाबाद पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है इस आरोप में कि उसने एक 18 साल के बच्चे की किडनैपिंग कर ली है और उस बच्चे से टॉयलेट साफ करवाया है, उसके मुंह पे गोबर डाल दिया है और उसके मुंह पे मूत भी दिया है। उस लड़के से रजत दलाल को पापा बुलवाया जाता है और उसे मेंटली फिजिकली हरास किया जाता है। रजत दलाल मेरे पापा है और मस्ती मस्ती मैंने अपनी माँ। इसके बाद भी एलिजेटली रजत दलाल उस लड़के को उसकी माँ के पास लेके जाता है और वहीं पे उसकी माँ के सामने उससे उठक बैठक लगवाता है और उस लड़के को उसकी माँ को वहीं पे धमकियां देता है और अधिक चीजें उनके साथ करने की। इन धमकियों को सुनके वो लड़का और उसकी माँ पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस में इसकी कंप्लेन करवाते हैं, तब जाके रजत दलाल को वहां पे अरेस्ट किया जाता है। और ध्यान रहे, रजत दलाल ने एलिजेटली ये सब कुछ इसलिए किया है क्योंकि उस लड़के ने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड कर दी जिस रील में रजत दलाल को उसने माइटी राजू बोल दिया।
तो इस पृथ्वी ग्रह की सबसे फ्रेजाइल चीजों में से एक है रजत दलाल की ईगो, जो उसे माइटी राजू बुलाने मात्र से हर्ट हो जाती है। यदि इन रिपोर्ट्स को माने तो वो ईगो इतनी हिंसक हो जाती है कि उसे उस व्यक्ति के मुंह पे मूत देना है, उसे बिल्कुल मेंटली फिजिकली हैरास कर देना है जिससे वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए। और इससे पहले भी अनेकों घटनाएं हैं। रजत दलाल की मार्च 2024 की घटना ही ले लो, जिसमें फिर से वो लड़ने कटने मरने की बातें कर रहा है, दूसरों को मारने की बातें कर रहा है, दूसरों को थ्रेट्स दे रहा है। जिन थ्रेट्स को सुनकर जज्जर पुलिस को उसे वार्निंग देनी पड़ती है कि उसके विरुद्ध एक्शन होगा यदि वो किसी भी प्रकार की हिंसा करता है या हिंसा को प्रमोट करता है। अभी के लिए अपडेट यह है कि रजत दलाल का चालान काट दिया गया है बाइक वाले को ठोकने के लिए, उसके सिवाय उसके ऊपर केस भी रजिस्टर कर लिया गया है। फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि वो इस केस में जांच भी कर रहे हैं और उन्होंने इस इंसिडेंट वाली लोकेशन को ट्रेस भी कर लिया है। पर मैंने तुम्हें रजत दलाल के पुराने इंसिडेंट भी दिखाए हैं जिसमें उसकी अरेस्ट तक होती है, लेकिन फिर भी आज वो फ्री है। तो संभावना यही अधिक दिखती है कि इस पोटेंशियल क्राइम को करने के बाद भी संभवतः वो फिर से फ्री हो जाए, और वो तथाकथित कानून के लंबे हाथ जो कहीं पे भी पहुंच जाते हैं वो इसके स्थान विशेष में घुसते घुसते रह जाएं। कहने का अर्थ है कि रजत दलाल की गुंडागर्दी भविष्य में भी इसी प्रकार चलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके सिवाय यदि तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी अवश्य दबाओ। धन्यवाद।